अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ ये तवा चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने एक बार पहले भी तवा चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, ये एक और वैरायटी मैं आपके साथ तवा चिकन की शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होती है और झटपट तैयार हो जाती है। तो इस तवा चिकन को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले चिकन लेना है, ये मैंने करीब 1 किलो चिकन लिया हुआ है। और कुछ मसाले इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें यहाँ पर धनिया पाउडर रखा हुआ है, ये देखिए ये धनिया पाउडर करीब 1 टीस्पून मैंने लिया होगा, और ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आप चाहें। यहाँ पर नमक 1 टीस्पून या फिर जो आपका टेस्ट हो। यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला 1/2 टीस्पून, दही लिया है 1 कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और यहीं पर मैंने लिया हुआ है ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर यानी कि ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। और यहाँ पर जो ये मैं धनिया और ज़ीरा दिखा रही हूँ, ये बहुत ही इसके टेस्ट को निखार लेता है, बहुत निखार आता है इससे। ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया और 1 टीस्पून मैंने धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स और क्यूमिन सीड्स को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, तवे पर ऐसे ही भून लेना है, और इसे इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं मोटा मोटा कूट लेना है। और यहीं पर मैं थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ना करें, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। रेड फूड कलर हो तो आप वो इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर थोड़ा सा प्याज लिया है मैंने, दो बड़े बड़े प्याज लेकर के उन्हें इस तरह से बारीक काट लेना है, ये देखिए बहुत बारीक मैंने काटा है। और इसी तरह टमाटर का बीज आप निकाल दें, और दो टमाटर मैंने लिए हैं, और मैंने हरी मिर्च ली है 3 हरी मिर्च लेकर उन्हें बीच में से दो टुकड़े कर लिए हैं, और थोड़ा धनिया, हरा धनिया आप इस्तेमाल कर लें। मोटी हरी मिर्च मैं जो डाल रही हूँ वो मैं इस तरह से ज़्यादा बड़ी होने की वजह से दो टुकड़े करके डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो बारीक भी काट के डाल सकते हैं, मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहती, नहीं तो वो बच्चों के लिए बिल्कुल खाने लायक नहीं रहता, उनको मिर्चें लगती हैं और बच्चे फिर नहीं खाएं तो बिल्कुल दिल खुश नहीं होता, क्योंकि घर में कोई चीज़ बनती है तो बच्चों को ज़रूर पसंद आनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। मैं भी अपने बच्चों का इस बात में ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बड़े बर्तन में चिकन ले लिया है, खुला बर्तन का इस्तेमाल करें। और सबसे पहले मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहीं पर दही डाल देते हैं 1 किलो में, 1 कप दही बिल्कुल सही रहती है, सारी ही दही ले लेंगे। यहाँ पर नमक हमने डाल दिया, नमक का आप अपना हिसाब रखें, मिर्च का भी आप अपना हिसाब रखें। यहाँ पर हमने रेड चिली पाउडर डाल दिया, कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला, और ये ब्लैक पेपर पाउडर, और यहीं पर हम फूड कलर, बस ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें मिक्स करके मैरिनेट करके रख देना है। बाकी जो कटे प्याज, हरी मिर्च वगैरह हैं, टमाटर वगैरह हैं, और भुना कुटा ज़ीरा, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके, और इसे करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप चाहें मैरिनेशन लगा सकते हैं, कम से कम 15 मिनट का आप लगाएं। तो इसको हम एक साइड पर रख देंगे, अगर मेहमान आने वाले हैं तो ये काम आप पहले करके रख दें, और फिर जो ग्रेवी तैयार करनी है या फिर चिकन बिल्कुल तैयार करना है वो बहुत जल्दी आसानी से तैयार हो जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत अलग इसका टेस्ट होता है। तो हमारे घर में तो बहुत पसंद किया जाता है, अक्सर कोई भी गेस्ट आता है तो झटपट तैयार हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगता है, 15 मिनट जब तक कि मैंने ये मैरिनेशन लगाया, फटाफट प्याज टमाटर जब तक कटते हैं इतने टाइम में कट ही जाता है, और फटाफट कढ़ाई चढ़ाई दम लगा दिया,
बहुत आसानी से मज़ेदार चिकन तैयार हो जाता है। तो देखिए, बातें करते करते ये चिकन भी हमने मैरिनेशन ये अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसको अब मैं छोड़ देने वाली हूँ करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप रखना चाहे रखें। मैं इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए मैरिनेट करूँगी। तो अब 15 मिनट बाद हम आगे की रेसिपी तैयार करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी देर से ये चिकन मैरिनेट हो रहा था। करीब मैंने 20-25 मिनट इसको छोड़ा है, 15 मिनट के लिए छोड़ा था, लेकिन काफ़ी टाइम मैं इसको छोड़ चुकी हूँ। 15 मिनट का मैरिनेशन भी इसके लिए काफ़ी है। तो अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। मैं आज इसे इस हांडी में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तवा इतना बड़ा नहीं है जिसमें चिकन पूरा आ सके। तो आप चाहें तो, अगर तवे पे आपके पास इतना बड़ा है तो आप बड़ा तवा इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो वो तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसे हांडी में बना रही हूँ। और बहुत थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं, जिनके पास कढ़ाई है वो कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी बर्तन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट वही रहेगा, पर जो ट्रेडिशनल है, जो बनता है, वो तवे पर ही बनता है। तो यहाँ पर मैंने करीब 2 टेबल स्पून से भी शायद बहुत कम मैंने ऑयल लिया होगा। मैं अंदाज़े से ही डालती हूँ और मैं आपको बताती हूँ उसी तरह से। जो मसाले मैं आपके सामने निकालती हूँ वो मैं नाप कर लेती हूँ, हालांकि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंदाज़े से ही बनाया करती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है और ये चिकन हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, और सारा जितना ये मसाला लगा हुआ है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर सारा मसाला हमने साफ़ करके रख दिया है, और क्योंकि बोटियाँ छोटी हैं, मैंने छोटी बोटी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसे मैरिनेशन जो है बहुत आसानी से फटाफट लग जाता है। अगर आप बड़ी बोटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको मैरिनेशन में टाइम लगेगा। तो मैं इसीलिए हमेशा छोटी बोटी का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे फटाफट मैरिनेट हो जाए और टेस्ट हमें पूरा मिले। तो ये देखिए, मैंने इसे फुल फ्लेम पर पकाना है, जिससे कि ये जल्दी से गल जाएगा और हमारी रेसिपी फटाफट तैयार हो जाएगी, बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। खुला ही पकाना है, इसका पानी छूटेगा चिकन का भी, और जो दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मसाले वगैरह हैं उसकी वजह से ये खूब सारा पानी छोड़ देगा और आसानी से खुश्क भी हो जाएगा फुल फ्लेम पर, इसीलिए हम कुक कर रहे हैं। तो मैं इसे फुल फ्लेम पर कुक करूँगी जब तक कि ये पानी ड्राई हो जाता है और चिकन गल जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी जिससे कि ये जले नहीं। वैसे तो जलेगा नहीं, लेकिन बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जिससे चारों तरफ से ये पक जाएगा। तो इस तरह से चलाते रहेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ जब ये चिकन गल जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, काफ़ी खुश्क भी हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। ये पूरा पानी हमें खुश्क कर लेना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है इसको। देखिए, चिकन गल जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये चिकन गलने में है, पानी छोड़ा है लेकिन अभी गला नहीं है पूरी तरह से। तो ये देखिए, बहुत मज़ेदार बनता है। और आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए थोड़ी ग्रेवी जैसी भी हो गई है। ये मसाला देखिए, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं होता है इसमें, थोड़ा ड्राई सा ही बनता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे जब तक ये गलता है। देखिए, यहाँ पर जो है ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और शुरू से आखिर तक मैंने इसे बिल्कुल फुल फ्लेम पर ही कुक किया। अब यहाँ पर मैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। तो ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्च मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल करके मिक्स करना है, बस मिक्स करके। ज़्यादा देर हमें इसे नहीं पकाना है। और यहीं पर हम ये जो भुना कुटा ज़ीरा और धनिया है, क्यूमिन सीड्स और कोरिएंडर सीड्स, जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके कूट लिया था, ये भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये करीब 2 टीस्पून था, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया था, 1 टीस्पून हमने धनिया लिया, ड्राई रोस्ट करके उसे कूट लिया, और बहुत मज़ेदार इसका जायका बन जाता है। इससे अच्छी तरह मिक्स करना है
और अब मैं इसे 2 से 3 मिनट दम पर लगा लूँगी। तो अभी मैंने फ्लेम लो कर दी है, बिल्कुल लो कर दी है। आप देखिए ये उबाल भी थोड़ा सा कम होने लगा। तो अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए करीब 2 से 3 मिनट, बस 2 से 3 मिनट हमने ढक के पकाना है। बस यहाँ पर बस हमें इतना पकाना है इसे ढक कर के कि बस प्याज और टमाटर बिल्कुल पूरी तरह गले नहीं, बस हल्के कच्चे रहें। तो मैं इसे ढककर पका लेती हूँ करीब 2 मिनट। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, खोलकर देख लेते हैं। देखिए प्याज बहुत बारीक थी तो सिर्फ घुली है, और टमाटर हमारे ये देखिए बस थोड़ा गले गले से हैं, ये देखिए कच्चे ही हैं, ज़्यादा घुटना नहीं चाहिए, एकदम मसाला नहीं तैयार होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा सा हो गया, जब प्याज भी मुंह में इसमें आएंगे तो वो थोड़ा कच्चे पक्के से ही रहेंगे। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, क्योंकि जो ये वाला चिकन है तवा चिकन, वो थोड़ा स्पाइसी ही बनता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और बच्चे आपके खा लेते हैं, तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने नहीं डाले क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खा पाते हैं। यहाँ पर हमने धनिया पत्ती ऐड कर दी है, चाहें तो आप इसमें धनिया डालें चाहे ना डालें, ये आप पर डिपेंड करता है, ना भी डालें तो कोई नहीं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, ये हमारा तवा चिकन तैयार है, इसे हमने सर्व कर दिया। आप चाहें तो इसे हरे धनिए से गार्निश कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत चटपटा, आप चाहें तो बना सकते हैं, स्पाइसी ही ये बनता है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।